और एक बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें मनसुख हिरण की हत्या के मामले में एटीएस ने अब दावा किया है कि सचिन वाजे को इस मामले में आरोपी साबित करने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें मनसुख हिरण मामले में, आपको बताएं कि एटीएस द्वारा अब ये दावा किया जा रहा है कि सचिन वाजे को इस मामले में आरोपी साबित करने के लिए उसके पास पुख्ता सबूत हैं। साथ ही अब एटीएस थाने की अदालत में वाजे के प्रोडक्शन वारंट की मांग करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हिरण की जो पत्नी है उनके बयान के बावजूद एटीएस वाजे को सिर्फ एक संदिग्ध के रूप में देख रही थी, ना कि आरोपी के रूप में। हालांकि अब एटीएस द्वारा दावा किया जा रहा है कि आरोपी साबित करने के लिए एटीएस के पास सचिन वाजे के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। और हमारी सहयोगी सांतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी सांतिया, ये बड़ी खबर आ रही है और क्या जानकारी है? देखिए, महाराष्ट्र एटीएस आज, क्योंकि उन्हें अपना एक सेफ फाइल करना है थाने कोर्ट में, जहां पे सचिन वाजे ने अपनी एंटिसिपेटरी बेल की याचिका दी थी पिछले हफ्ते गिरफ्तार होने से पहले, एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले। उस वक्त एंटरिम प्रोटेक्शन यानी कि अंतरिम सुरक्षा नहीं प्रदान की थी कोर्ट ने, और साथ ही ये भी कहा था कि इस पूरे मामले में कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है सचिन वाजे की। बावजूद उसके भी एटीएस गिरफ्तारी नहीं कर पाई सचिन वाजे की, और अगले ही दिन एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। देखिए, अब उस मामले की सुनवाई आज होनी है और आज एटीएस को अपना एक सेफ फाइल करना है। अब एटीएस का कहना यह है कि आज की तारीख में उनके पास ऐसे सबूत हैं जो कि सीधे सीधे सचिन वाजे को आरोपी दिखाते हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ वो शक के दायरे में था। देखिए, ये बता दें कि मनसुख हिरण की पत्नी के आरोप लगाने के बावजूद, एफआईआर में नाम लेने के, अपने स्टेटमेंट में नाम लेने के बावजूद भी एटीएस ने सचिन वाजे को शक, सस्पेक्ट ही माना, आरोपी नहीं बना पाए थे। और इससे पहले कि एटीएस कुछ और कदम उनके खिलाफ उठाता, एनआईए की गिरफ्तारी हो चुकी थी। तो आज एटीएस जो है एक अपना सेफ फाइल करके उसमें क्या किस तरह के नए सबूत हाथ लगे हैं और अब उन्हें क्यों जरूरत है कि सचिन वाजे की कस्टडी एक बार एनआईए से खत्म होने के बाद उन्हें दी जाए, ये थाने कोर्ट को बताएंगे। शुक्रिया सांतिया।